और सतीश भाई है कि दिन भर गाड़ी में ही रह रहे हैं, दिन भर गाड़ी चलाते हैं। फिलहाल प्रेजेंट में अभी हम लोग के जनरेशन में इतना दिक्कत है, अभी तक अभी 50 डिग्री टेम्परेचर नहीं हुआ था कभी, और आने वाले समय में समझ सकते हैं क्या होगा अगर पेड़ पौधा हम लोग नहीं लगाते। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बबलू पांडे। दोस्तों अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, और इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है कि हम लोग को एसी का सहारा लेना पड़ रहा है। बाहर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन पेड़ पौधों के पास भी गर्मी हो रहा है, तो हम गाँव ही के मेरे दोस्त सतीश भाई हैं, इनके पास आए और कार में एसी है, एसी चला के अभी ठंडक महसूस कर रहा है, और सोच रहे हैं कहीं जाने के लिए। कहाँ चला जाए सतीश भाई? कुछ नहीं, चलिए घूमने के लिए कुछ नहीं नगर। हाँ, कुछ नहीं चलते हैं। कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से प्रेक्स 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर से ज्यादा पड़ता है? हाँ हाँ, वही मान लीजिए 80-85 किलोमीटर पड़ जाता है। जी जी। और बनारस कितना किलोमीटर? बनारस 250 किलोमीटर। बनारस 250 किलोमीटर ज्यादा दूरी पड़ जाएगा, हम लोग को शाम तक आना भी है रिटर्न। छोटू कहाँ चला जाए? कुशीनगर चलते हैं। जी। कुशीनगर में क्या क्या प्रसिद्ध है जो हम लोग को मतलब देखने में अच्छा लगेगा? बहुत चीज है, सबसे बड़ी बात है वहाँ गौतम बुद्ध का। अच्छा, गौतम भगवान, बुद्ध भगवान का प्रतिमा है। जी जी। और क्या क्या है? और बहुत सारा चीज है। छोटू तुम क्या जानते हो कुशीनगर के बारे में? यहाँ पर गौतम बुद्ध का मतलब प्रतिमा है, वहाँ गौतम बुद्ध अपने अंतिम, वहाँ पर वाटर पार्क भी है हम लोग। हाँ, वाटर पार्क भी है। गौतम बुद्ध अपना अंतिम क्या कहते हैं समाधि लिए थे। दोस्तों बता दें कि कुशीनगर में गौतम भगवान, गौतम बुद्ध अंतिम समाधि लिए थे, और वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग बहुत सारे ज्यादा आते हैं, और खास करके कोरियाई लोग आते हैं ना। जी जी हाँ, कोरिया के, खासकर चाइना और कोरिया के सबसे ज्यादा लोग आते हैं। हम लोग सोच रहे हैं जाने के लिए कुशीनगर, और कुशीनगर में काफी सारी जगह है जो बहुत देखने में अच्छा लगता है। और फिलहाल एसी का हवा लेते यार मन कर रहा है कि गाड़ी में ही बैठे रहें, क्योंकि आजकल पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, और अधिकांश लोग हैं जो कि पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं, है ना सतीश भाई? जी, जिसके वजह से बहुत खत्म पड़ रही है, दिक्कत हो रहा है ना। आप कितना पौधा लगाए हैं अभी तक? अभी तक तो एक पांच जुलाई को हम एक लगाए थे। 5 जुलाई को? आप छोटू कितना लगाए हैं? हम 2 को लगा दिया है। दोस्तों आप लोग जितना से ज्यादा हो सके आप लोग, सॉरी 5 जुलाई को नहीं, 5 जून को लगाए। 5 जून को लगाए? जी जी। एक पौधा? हाँ, एक पौधा लगाया। प्रयास कीजिए कि और सारा पेड़ पौधा लगाया जाए। जी जी। क्योंकि पेड़ पौधा अभी फिलहाल प्रेजेंट में अभी हम लोग के जनरेशन में इतना दिक्कत है, अभी तक अभी 50 डिग्री टेम्परेचर नहीं हुआ था कभी, और आने वाले समय में समझ सकते हैं क्या होगा अगर पेड़ पौधा हम लोग नहीं लगाते हैं। सबसे ज्यादा आजकल का लोग फैक्ट्री और कंपनियां बैठाने के चक्कर में पेड़ पौधों को नष्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है। आप लोग भी पेड़ पौधा लगाने का प्रयास करें, और गर्मी का दिन है, बच के रहें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंसान कभी बेहोश हो सकता है। और एसी है, और बाकी गाड़ी में दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारी कौन सी गाड़ी है हमारे सतीश भाई? तो फाइनली दोस्त मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए अंदाज में, और आप लोग ऐसे ही हंसते रहें और प्यार बनाए रहें दोस्तों, और प्लीज लाइक कमेंट वमेंट किया कीजिए, और शेयर भी किया कीजिए वीडियो को, ताकि हौसला मिले और मजा आए हमको भी वीडियो बनाने में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और आप भी इंजॉय कीजिए और गर्मी में बच के रहिए। आने वाले समय में ठंडक में लोग बच के रहते थे, और अब इतना ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है कि आप लोगों को गर्मी में बच के रहना पड़ेगा। और सतीश भाई है कि दिन भर गाड़ी में ही रह रहे हैं, दिन भर गाड़ी चलाते हैं, दिन भर गाड़ी में रह रहे हैं, क्योंकि एसी है और एसी में मजा आ रहा है बैठने में। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।